बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। यखनी पुलाव बनाने में बहुत ही आसान है, तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी, यखनी पुलाव। तो जिन दोस्तों ने विलेज फूड टिप्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। यखनी पुलाव की तैयारी के लिए आधा किलो चिकन लिया है मैंने, आधा किलो मैंने चावल लिए हैं बासमती, वो मैंने भिगोकर रख दिए हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच। ये कुछ तेज़ पत्ते जिसे कहते हैं, इसके कुछ थोड़े से पत्ते हैं। ये थोड़ी सी जायफल और जलबत्री को मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इमली ली है थोड़ी सी, छोटे साइज़ के 5 अदद टमाटर काट लिए हैं मैंने, प्याज 3 अदद काट लिए हैं मैंने, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला। यखनी पुलाव की तैयारी के लिए मैं सबसे पहले यखनी तैयार करूंगा, उसके लिए मैंने चावल के हिसाब से पानी लिया है। आधा किलो चावल हैं, इसके लिए 4 प्याली मैंने पानी लिया है। शामिल करूंगा जायफल जलबत्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी में मैंने जायफल जलबत्री डाल दी है, इसके साथ मैं डाल रहा हूँ इमली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो मैं डाल रहा हूँ पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेज़ पत्ते के जो पत्ते हैं वो मैं डाल रहा हूँ इसमें। एक चम्मच नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 किलो चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूखा धनिया पिसा हुआ 1/2 चम्मच, 3 अदद सब्ज मिर्च। अब मैं इसकी यखनी तैयार करूंगा। पुलाव की यखनी सबसे पहले मैं तैयार करूंगा, इसके लिए मैं अब आग जला रहा हूं। मैंने सारा इसमें सामान डाल दिया है देगची में, पानी में चिकन भी डाल दिया है। अब मैं इसकी यखनी तैयार जी। अल्हम्दुलिल्लाह, यखनी को उबाल आ चुका है, अब मैं इसे उतार रहा हूँ। 5 मिनट लगे हैं इसको तैयार होने में। अब दूसरे स्टेप में मैं प्याज फ्राई करूँगा, इसके लिए मैंने आग जला ली है। घी मैं डालूँगा इसमें डेगची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी गर्म हो चुका है, अब मैं प्याज फ्राई करूँगा। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करूंगा। प्याज डाल रहा हूं मैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज ब्राउन हो चुका है, अब मैं डाल रहा हूं इसमें टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यखनी में से मैंने चिकन को निकाल कर साइड पर रख लिया है, अब मैं इसमें यखनी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यखनी को उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं चावल डाल रहा हूँ। चावल अब मैंने डाल दिए हैं यखनी में।
5 मिनट तक मैं इसको मज़ीद पकाऊंगा चावलों को। 5 मिनट चावल पकाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन डाल रहा हूँ। चिकन मैंने डाल दिया है, अब मैं चावलों को दम दूंगा 3 मिनट के लिए। मज़ेदार यखनी पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। हल्की आंच मैंने कर दी है, नीचे तवा रख दिया है, ऊपर चावलों की देगची रख के बीच में कपड़ा रख के इसको ढांप दिया है। 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख रहा हूँ। चावलों को अल्हम्दुलिल्लाह दम आ चुका है, अब मैं इसे डिश आउट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव तैयार हुए हैं, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चिकन यखनी पुलाव बनाने में बहुत आसान है, अब मैं इसे सर्व करूँगा रायते के साथ। रायता मैंने तैयार कर लिया है, दही का रायता, पुदीना और धनिया का रायता तैयार कर लिया है।